राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का दिया न्योता, 9 जून की शाम को होगा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया, अपने हाथों से खिलाया दही। राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट में रविवार की शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लिया शपथ ग्रहण स्थल का जायजा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया, किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर लगी पाबंदी। 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी, राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के बाद बोले मनोनीत पीएम मोदी। नेपाल के पीएम और श्रीलंका के प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, दोनों शपथ वाले दिन ही आएंगे। भारत से तनाव के बीच नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, निमंत्रण किया स्वीकार। नरेंद्र मोदी पीएम मनोनीत किए जाने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज, जेपी नड्डा के घर पर चली देर रात तक एनडीए के नेताओं की 1-to-1 मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 4 घंटे तक चली मीटिंग, एक एक कर एनडीए के सभी दलों के नेताओं से हुई मुलाकात। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, अजित पवार, एचडी कुमार स्वामी और जयंत चौधरी पहुंचे, मंत्रिमंडल पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक एक मंत्री पद, आरएलडी और अपना दल को भी एक एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला, सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री का दिया जा सकता है पद। एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बयान, हमारी कोई डिमांड नहीं है, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन। टीडीपी नेता कृष्णदेवरायलू बोले, केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग राज्य के लिए। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए, राजनाथ सिंह ने रखा था प्रस्ताव, नीतीश नायडू समेत सभी दलों ने किया समर्थन। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज, कहा मुझे लगा इस बार ईवीएम की अर्थी निकालेगी, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने इन्हें चुप करा दिया। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, हम विजय को पहचानना जानते हैं, एनडीए की बैठक में बोले मोदी। नरेंद्र मोदी ने एनडीए को सबसे सफल गठबंधन बताया, कहा यह अलायंस राष्ट्र प्रथम के लिए प्रतिबद्ध। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेगी, विकसित भारत का सपना करेगी साकार। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 10 साल आगे बढ़ा, अगले 5 साल देश के पीएम रहेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश रच रहा है इतिहास, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बन रही है। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने कहा, अब इधर उधर नहीं होने वाला, मिलकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। सीएम नीतीश ने एनडीए गठबंधन पर किया प्रहार, कहा कि इधर उधर जो जीते हैं वो अगली बार हारेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा मोदी के प्रचार से आंध्र में हुआ गठबंधन को फायदा, मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, झुककर किया प्रणाम, मोदी ने थपथपाई पीठ। जालौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बोले किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा, स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी को नहीं दिया। सचिन पायलट ने कहा कि जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी, बोले कि कांग्रेस की संख्या दोगुना हुआ है। मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर कांग्रेस का अटैक, पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन ने पहले चुन लिया। एनडीए को ऑर्गेनिक अलायंस बताने पर उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई का तंज, गठबंधन में अभी से बयानबाजी शुरू। गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन थेट्रोलॉजी पर काम करता है, बोले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और रहेंगे। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जो राहुल 3 चुनाव में भी 99 नहीं कर पाए हैं पार, वो जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस निर्लज्जता की सीमा पार कर गई। नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल का विजन पेश किया, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में चुने जाने पर बधाई दी, बोले ये देश के लिए सौभाग्य की बात। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, विपक्ष को जनता ने नकारा, मोदी जी को स्वीकारा। मोदी ने 10 साल के विकास का टेलर दिखाया है, आगे कुछ बड़ा करेंगे, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने से मिले नरेंद्र मोदी, घर जाकर की मुलाकात। कांग्रेस में आज चलेगा बैठकों का दौर, 11:00 बजे अशोका होटल में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होगी बैठक, राहुल गांधी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद दोपहर 1 बजे कांग्रेस ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे होगी मीटिंग, नवनिर्वाचित सांसदों के साथ राज्यसभा के सांसद भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का शाम 7 बजे होटल अशोका में डिनर, संसदीय दल के मेंबर्स भी डिनर में होंगे शामिल। पार्टी से अलग होने पर बोले अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली में मेरे बारे में अफवाह फैला रहे लोग, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जा रहा हूं, जिसे मिलना हो आ जाए। मुंबई के कलानगर इलाके में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगाए गए पोस्टर, 3rd कार्यकाल के लिए दी गई बधाई। मुंबई में आज बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे, केंद्र में सरकार गठन के बाद उनकी मांग पर होगा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शाम 4 बजे बुलाई शिवसेना विधायकों की बैठक, लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगा मंथन।
समर्थन। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। हार के कारणों की समीक्षा और आने वाले दिनों के तैयार होगा रोडमैप। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक, सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में होंगे शामिल। बैठक से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट, कहा कि यूपी की जनता ने नया दायित्व दिया है, इसे हम बखूबी निभाएंगे। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी बोले, चुनाव में डेमोक्रेसी और इंसानियत जीती है। घोसी से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राजीव राय ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद किया। राजीव राय का बयान, बोले जब मैं सांसद नहीं था तब भी जनता के मुद्दों को उठाता था, उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अटैक, कहा कि मोदी एक तिहाई प्रधानमंत्री नरेंद्र नायडू और नीतीश। जयराम रमेश ने कहा, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं संविधान बचाने के लिए लड़ रहे थे। ईवीएम को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, कहा कि इस बार नतीजे थोड़े बेहतर आए हैं तो उनकी दुविधा दूर हो गई। ईवीएम के सवाल पर बोली मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, ईवीएम ने सही काम किया। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर डीके शिवकुमार का पलटवार, आपको जरूर जवाब देंगे। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर बोले अरविंद सावंत, विपक्ष सतर्क था इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत का मोदी पर तंज, कहा कि कल तक मैं करते थे, एनडीए का नाम नहीं लेते थे। बीजेपी चाहे जो कहे लेकिन ये मोदी की नैतिक हार है, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। मनमानी नहीं हो पाएगी क्योंकि विपक्ष मजबूत है, जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए, इस बार विपक्ष मजबूत होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। यूपी के नगीना से नव निर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद, बोले अंबेडकर और काशीराम के सपने को करूंगा पूरा। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण का बयान, नई सरकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगी। नीट परीक्षा के रिजल्ट पर छात्रों की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नाराजगी, आज एचआरडी मंत्रालय के बाहर करेंगे प्रदर्शन। नीट रिजल्ट में धांधली पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली पर बोले महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हसन मुशरफ, बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1414 स्टूडेंट्स में नीट क्वालिफाई किया, मंत्री आतिशी ने जताई खुशी। सीएम केजरीवाल की जमानत पर 14 जून को राज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, शुक्रवार को टेली सुनवाई। राज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ाई, दिली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की चार्जशीट, लालू समेत 78 लोगों को बनाया आरोपी। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर पर केस दर्ज, धारा 323 और 341 लगाए गए। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों को हुई 7 साल की सजा, महिला की झोपड़ी जलाने का मामला। महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटक को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 5 दिन हो सकती है भारी बारिश। बेंगलुरु में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव के बने हालात, पैदल चलना हुआ मुश्किल। केरल के वायनाड कुन्नूर समेत 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, आज हो सकती है भारी बारिश। नोएडा के सेक्टर 113 में कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में लिया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, FNG रोड पर कार में लगी थी आग। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। ओडिशा के मयूरभंज में गांव में आया 27 जंगली हाथियों का झुंड, पूरे इलाके में मची दहशत। जंगल से भटककर गांव की तरफ आए थे हाथी, ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही खुशी से झूम उठी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, तीसरी बार अंतरिक्ष में गई है 58 साल की सुनीता। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर, 651 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंचा भंडार। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 84 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई, आरबीआई ने जानकारी दी 31 मई को खत्म हुई हफ्ते की रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, आरबीआई ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान जताया। पॉलिसी रेपो रेट में नहीं होगी कोई बदलाव, 6.5% पर रहेगी बरकरार, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान। टी20 विश्व कप में कनाडा की पहली जीत, आयरलैंड को 12 रनों से हराया, टूर्नामेंट में लगातार आयरलैंड की दूसरी हार। कनाडा ने पहले खेलते हुए 138 रनों का दिया था लक्ष्य, कनाडा के गेंदबाजों के सामने आयरलैंड की टीम 125 रन ही बना सकी। कनाडा के निकोलस कर्टन बने प्लेयर ऑफ द मैच, निकोलस ने मुश्किल हालात में टीम के लिए जरूरी 49 रन बनाए। टी20 विश्व कप में सुपर सैटरडे का मुकाबला, आज खेले जाएंगे 4 मैच, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम पहले मैच में आमने सामने। टी20 विश्व कप में आज के दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टक्कर, बांग्लादेश का पहला मुकाबला। न्यूयॉर्क के नसाऊ में नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा आज का तीसरा मैच, दोनों टीमें जीत चुकी हैं अपना अपना पहला मैच, दोनों टीमों के हौसले बुलंद। बारबाडोस में रात 10:30 बजे से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बिग फाइट, अपना पहला मैच जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को पहले मैच में ही मिली हार।